नगर पालिका का स्वच्छता और राजस्व विभाग का दल ग्वालियर बाईपास क्षेत्र पहुंचा, जहां रोड पर अस्थायी अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वाले 7 दुकानदारों पर नगर पालिका ने 30,200 रुपए की चालानी कार्यवाही की। नगर पालिका CMO ईशांक धाकड़ ने बताया कि शहर में स्वच्छता और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुवार की रात राजस्व व स्वच्छता विभाग के दल को ग्वालियर बाईपास क्षेत्र भेजा। चाय, जूस, मिठाई, शराब दुकान व अन्य दुकानों के बाहर गंदगी मिली। संबंधितों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए 30,200 रुपए वसूले हैं। संबंधितों को हिदायत दी है कि वह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, दुकानों के आगे सड़क पर अतिक्रमण न करें। अफसरों ने कहा कि यह कार्यवाही चलती रहेगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।